हेलो टेक लवर्स, वेलकम टू लर्न विद सबा यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपनी प्रेजेंटेशन को एज वीडियो सेव करना। एज वीडियो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो आप उसको इजीली शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और वो बिना किसी स्पेशल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को उसको प्ले कर सकते हैं अपने वीडियो प्लेयर के साथ। तो चलिए देखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना। तो लॉन्च करते हैं WPS ऑफिस। यह एक प्रेजेंटेशन मैंने बना रखी है जो कि 4 स्लाइड्स की है। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट जाने के लिए आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, देन ट्रांजिशंस, और यहाँ बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। आप वन बाई वन टैप करके इनका इफेक्ट देख सकते हैं और कोई सा भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहली वाली स्लाइड को ब्लॉक्स वाला ट्रांजिशन दिया। अपनी नेक्स्ट स्लाइड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन ऑफिस बटन एंड ट्रांजिशन, यहाँ कुछ दूसरा ट्रांजिशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट नेक्स्ट स्लाइड, वन बाय वन आप स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और ट्रांजिशन पे जाएंगे और कोई सा भी एक ट्रांजिशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस चूज़ किए और अपनी प्रेजेंटेशन में इसको अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इस प्रेजेंटेशन को प्ले करना और उसे एज वीडियो रिकॉर्ड करना। तो उसके लिए हम चलते हैं प्ले एंड फर्स्ट पेज। यह देखिए राइट कॉर्नर पे और एक वीडियो का आइकॉन यहाँ पे आपको दिखेगा। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन कुछ परमिशन मांगेगा कि WPS ऑफिस आपसे परमिशन चाहता है आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ओनली दिस टाइम कर दें या फिर वाइल यूजिंग दी ऐप। तो मैंने इसमें पहली वाली परमिशन चूज़ करी कि जब भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करूं तो मेरी एप्लीकेशन को परमिशन है कि मैं मेरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सके। तो चलिए मैंने स्टार्ट किया है। ओके, वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ से इसको प्रेजेंट किया। फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। एक्चुअली कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। Then there are some list of input devices like mouse, scanner, keyboard, mic and camera. Here on next slide we can see some listed item of output devices like printer, monitor, projector, speaker and plotter. So here my presentation is going to be ended. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो आइकॉन पे दोबारा टैप करना है। पॉज पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव्ड। इसका मतलब मेरी प्रेजेंटेशन एज वीडियो सेव हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, गैलरी में मैंने अपनी वीडियो को सेव कर दिया है। देख लेते हैं अपनी न्यूली रिकॉर्डेड वीडियो। तो ये देखें हमारी प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन को एज वीडियो सेव किया और उसे मैंने शेयर किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आप भी अपना कोई भी लेक्चर, कोई भी डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं एज वीडियो। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।